हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़िबा आमे षष्ठ श्रेणीर विज्ञान बहीर द्वादश अध्याय विद्युत। एही अध्यायर प्रश्नावली देखिबा। तो देखो, एक नंबर क्वेश्चन रे कहिछि शून्य स्थान पूरण कर। क नंबर रहिछि सेल रे डैश शक्ति रु विद्युत शक्ति मिलिथाए। तो आंसर कौन हम, सेल रु रासायनिक शक्ति रु विद्युत शक्ति मिलिथाए। ख नंबर रहिछि गाड़ी रे व्यवहूत हेउथिबा बैटरी रे रासायनिक पदार्थ डैश अवस्था रे थाए। तो किपरि अवस्था रे रहिथाए, तरल बा जलीय अवस्था रे रहिथाए। ग नंबर हला परिपथ रे लागुथिबा विद्युत तार डैश वस्तु रु तयारी। क्यों वस्तु तैयारी होई थे, धातव वस्तु तैयारी होई थे। घ नंबर हला सेल रो विद्युत अग्र गुडिकर नाम हेउछि डैश ओ डैश। तो विद्युत अग्र गुडिकर नाम कौन कौन, युक्त विद्युत अग्र ओ विजुक्त विद्युत अग्र। तापर देख दुई नंबर क्वेश्चन। तो दुई नंबर क्वेश्चन रे कहिछि भूल थिले संशोधन करी लेख। करे रहिछि सेल रो विजुक्त विद्युत अग्र धातव टोपी होइथाए। एहा भूल हेब, सेल रो विजुक्त विद्युत अग्र धातव पात्र होइथाए। धातव टोपी नुह, धातव पात्र। विजुक्त विद्युत अग्र कहिछि तो धातव पात्र। तापर देख ख नंबर, ख रे रहिछि थर्मोकोल रो विद्युत प्रवाह हुए। थर्मोकोल रे विद्युत प्रवाह होई न थाए, ताहा होची कुपरिवाही, सेथिरे विद्युत प्रवाह होई न थाए। नेक्स्ट रहिछि ग नंबर, विद्युत कुपरिवाही वस्तुटीए स्विच भाबे कार्य करि पारे। कोन हेबो, ठीक अछि सेंटेंस टी, विद्युत कुपरिवाही वस्तुटीए स्विच भाबरे कार्य करि पारे। स्विच एक कौन, प्लास्टिक रे निर्मित, जहाँ द्वारा कि कुपरिवाही अटे। विद्युत परिचालना से ही स्विच रे हो नथिबारु ताहाकु स्विच को दिया होई थे। तो एहा होची विद्युत कुपरिवाही वस्तु टीए स्विच भाबे कार्य करी पारे, ठीक अछि। तापर देखिबा घ नंबर, घ नंबर कहिछि परिपथरे विद्युत प्रवाह सेल रो युक्त विद्युत अग्र रु बाहरी विजुक्त विद्युत अग्र आग्र को जाए। तो एहा भूल अटे, आंसर कौन हम, परिपथरे विद्युत प्रवाह सेल रो युक्त विद्युत अग्र रु बाहरी बल्ब भितरे प्रथमे प्रवेश करे ओ बल्ब भितरु पुणी बाहरी विजुक्त विद्युत अग्र आड़कु जाइथे। तो प्रथमे एठारे युक्त रु विजुक्त आड़कु गति करि नथे, प्रथमे बल्ब रे प्रवेश करे, परे बल्ब रु विजुक्त विद्युत अग्र आड़कु जाइथे। नेक्स्ट रहिछि तीन नंबर क्वेश्चन, कारण दर्शाओ। क नंबर रे कोन कहिछि ना, गोटिए विद्युत परिपथरे बल्ब ओ तारर जोड़ेई स्थान गुड़िक ठीक अछि, स्विच मध्य मुदित अछि, मात्र बल्ब आलोक देउनाही। कौन होई पारे, काहेकि देउनाही ना, कारण होई पारे कि विद्युत जोगाण तारे होई नथिबो किंबा बल्ब टी फ्यूज थिबो, सेइथिपई विद्युत परिपथरे बल्ब ओ तारर जोड़ेई ठीक रहिछि, स्विच मुदित रहिछि, तथापि बल्ब आलोक देउनाही। नेक्स्ट रखि देखिबा आमे ख नंबर हला विद्युत परिवाही तार उपरे प्लास्टिक रो आवरण दिया जाई थाए। कारण कौन, काहें कि विद्युत परिवाही रो तार उपरे प्लास्टिक रो आवरण दिया होई थाए, न देथिले कौन होई थांता। कारण होउछि प्लास्टिक एक कुपरिवाही अटे, कुपरिवाही होइथिबारु विद्युत तार को प्लास्टिक द्वारा आच्छादित करिबा फलरे ताहा सेही तार अन्य कोनोसी सुपरिवाही संस्पर्शरे आसीले असुविधा हेबो नाही, तेणु विद्युत परिवाही तार उपरे प्लास्टिक रो आवरण दिया जाय थे। तीन नंबर देखिले, तो चार नंबर को जीवा। चार नंबर क्वेश्चन कहिछि गोटिए सेल रो विद्युत अग्र दुईटी को खंडिए तंबा तार रे संयोग करिदेले कौन हेबो बुझाओ। एठारे कौन कहिछि ना, गोटे सेल को सेल रो दु विद्युत अग्र दुईटी विद्युत अग्र रही थे, युक्त ओ विजुक्त। तो युक्त ओ विजुक्त विद्युत अग्र को खंडिए, एठारे दुईटी तार तंबा तार लेबा कहिनी, खंडिए तंबा तार नहीं कि संयोग करदे, ताल कौन हम कहल
आमे जानी कि धातव जो पदार्थ वस्तु गुड़िक रही से गुड़िक होची विद्युत सुपरिवाही से माध्यम रे गति करी थे विद्युत परिवाहित होई थे। तेणु तंबा होची एक धातव वस्तु बा पदार्थ तो तेणु एठारे देखो विजुक्त और युक्त दुई पर्श्वरे से छुई हो रहुची गोटे सेल रो विद्युत दुईटी को खंडिये तंबा तारे संयोग कर देले सेल रो आमे जाने छी कि दुईटी विद्युत रहिला कौन कौन युक्त और अन्यटी विजुक्त तार मझीरे ताहले कौन हम आम संयोग कर देले ताहले तार मझीरे स्पार्किंग होई फाटी जीवो नहले तार पोड़ी जीवो जदि तंबा तारटी मोटा हेथिबो बा टिके मोटा होई रही थे कौन हम सेल टी जो सेल रही सेल ही फाटी जीवो। तो यह है 4 नंबर क्वेश्चन।